क्या हुआ? रात को तुमने कॉल भी नहीं की, सब कुछ ठीक तो है? बात करने के मूड में नहीं थी मैं। क्या वो शदीद गुस्से में था? लड़ाई हो गई तुम्हारी? उसने एक लफ्ज भी नहीं कहा, बल्कि उसने मेरी चीची की जान भी बचाई। बहुत बुरा लग रहा है, बहुत शर्मिंदगी हो रही है मुझे। शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है, ये तो सिर्फ एक गलत फहमी है ना। तुम परेशान मत हो, हम कोई हल ढूंढ लेंगे। क्या बाकी लोग भी जानते हैं? नहीं, हमने अभी तक किसी को नहीं बताया। हम दमीर साहब का ही इंतजार कर रहे हैं। वो अभी तक आया नहीं? नहीं, अभी तक नहीं आए। कहीं वो यलदरम साहब से बात करने तो नहीं गए? अगर बात किसी और की होती तो यकीन कर लेते, लेकिन ये बात यलदरम साहब की है। ये यलदरम साहब का क्या मसला है? अब क्या करें, हमारी तो ऐसी की तैसी हो गई। कोई भी इस कंपनी को नहीं बचा सकता। अब क्या होगा, हम नहीं बच सकते। हम एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट अपने हाथ से खो बैठे हैं। वो हमें काम से भी निकाल सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। हमने हर तरह की कोशिश की और बहुत से रिस्क भी उठाए। सेलिन, इसकी वजह तुम ही हो। मुझे इल्जाम देना छोड़ दो अब। उस पुलिस वाले ने गलत नंबर मिला के दिया, इसमें मेरी क्या गलती है? ये हो जाएगा, मुझे थोड़ी मालूम था। तुमने ऑनलाइन कोई चाबी ताले वाला क्यों बुलाया? मास्टर मुकर्रम को क्यों नहीं फोन किया? उन्होंने ही तो तुम्हारा घर रेनोवेट किया था। क्या लगता है, मुझे ये नहीं मालूम यास्मीन, उस वक्त याद नहीं आया। किस्मत ही खराब है मेरी। ये क्या है? नाराज हूं मैं, मेरे बजाय एक अजनबी को बुला लिया, गलत है ये, ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे माफ कर दे, मुझे याद नहीं आया, सब कुछ इतना अचानक हो गया था ना इसलिए। मगर अब याद रखूंगी। पागल हो जाऊंगी मैं, बुराक को हम इस बारे में कैसे बताएंगे? ये तमीर साहब अब तक क्यों नहीं आए? शायद वो यलदरम साहब के ऑफिस में होंगे और भीख मांग रहे होंगे हमारे प्रोजेक्ट की। नहीं, मैंने यलदरम साहब की सेक्रेटरी को कॉल की थी और उसने कहा दमीर साहब यहाँ मौजूद नहीं है। लेकिन जरा सोचो, हम लोगों में से किसी ने भी अब तक यलदरम साहब से माफ़ी नहीं मांगी है। मैं कॉल करके माफ़ी मांगती हूं। रुक जाओ, कॉल मुझे करनी चाहिए। या फिर कोई और आइडिया है? फूल भेजना कैसा रहेगा? तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, हमें फूल और चॉकलेट की दुकान पर फोन करना चाहिए। उनसे अच्छा सा गिफ्ट भी मंगवाओ, ऐसा टेडी बेयर मंगवाओ जिसके दिल पर वी आर सॉरी लिखा हो। ठीक है, अभी कर देती हूँ। आप सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुने। जब तक मैं ऑफिस नहीं आ जाता, यलदरम साहब के बारे में कोई बात भी नहीं करेगा। कुछ भी करने की कोशिश मत कीजिएगा। क्या उन्होंने हमें सुन लिया? लगता है कोई हमारी निगरानी कर रहा है, किसी ने हम पर नजर रखी है जरूर। नहीं, ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं। फजूल बातें मत किया करो। मैं तो डर ही गई थी।